हम नहीं इजाजत देंगे इस चीज के कि ड्रामा और फिल्मों में हमें थर्ड क्लास कैरेक्टर बना के दिया जाए, और उसके लिए ये नौजवान, ये अफसरान और ये थानेदार ये बेहतर से बेहतर सर्विस दें ताकि आपका इंप्रेशन इससे भी बेहतर हो। ये 1 करोड़ लोगों का डेटाबेस हम ऑफर कर रहे हैं। जाइए, हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें तनकीद करता है। जाइए और जाके इनसे बात कीजिए। और आखिरी पैगाम, ना हम मजहबी जनूनी जत्थों से डरते हैं, ना हम सियासी पागलपन से डरते हैं, ना हम काफिर दहशतगर्दों से डरते हैं, ना हमने कच्चा क्रिमिनल से पीछे हटना है, ना हमने गली मोहल्ले घर घर जाके तहफ्फुज़ देने से डरना है। हम इंशाअल्लाह ताला इन सोशल मीडिया के मस्त हाथियों का मुकाबला करते रहेंगे बेहतर खिदमत के साथ, बेहतर जज्बे के साथ। और इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब हमारे साथ हैं, और हम ये साबित करके दिखाएंगे कि इन फैमिलीज के वो जो जिंदा जाबिदा आज यहां मौजूद हैं, उनकी इस दुनियावी कुर्बानी का जवाब ये नहीं कि हम मजाक बने, बल्कि ये होगा कि हम इज्जत, तकरीम, एहतराम और मोहब्बत के रिश्तों से इस माशरे में पहचाने जाएं। हमने हर वो वादा पूरा करना है जो किया गया, और हम हर वो वादा पूरा करके दिखा रहे हैं। हमने एक एक जख्मी का और एक एक शहीद का और उसकी फैमिली का ख्याल करना है। हमने आपकी प्रमोशन में आपकी फैमिली को उसी तरह इज्जत देनी है जिस तरह 19वें ग्रेड में गए हुए अफसर की ऑफिसर्स की फैमिली को दी थी। हम एक फैमिली है, और हम ये वो खानदान है जिसने इस मुल्क को तहफ्फुज़ देना है। ना हम शिकस्त मानते थे, ना हम शिकस्त मानेंगे। हाँ, कोताहियां होंगी, हाँ मुश्किलात आएंगी, हाँ सिपाही का 1,000 रुपए रिश्वत लेना एक तरफ लिख दिया जाएगा और करोड़ों रुपए की वेलफेयर दूसरी तरफ लिख दी जाएगी, उसका भी मुकाबला करेंगे। हाँ मीडिया कहेगा कि पुलिस करप्ट है, सामने आके बताएंगे कि पुलिस करप्ट नहीं है। 160 अरब रुपए के बजट पे, 160 अरब रुपए के बजट पे एक एक रुपए का हिसाब राजा रिफत देगा। अरबों रुपए की वेलफेयर के एक एक रुपया जो चेक से गया उसका जवाब रियाज उद्दीन गाड़ा देगा। और हर होने वाला क्राइम जिसमें बच्चियों की इज्जत लुट जाती है, जिसमें डकैत बढ़ बढ़ के लोगों को गोलियां मारते हैं, जिसमें बाहर के मुल्क से भत्ता देके इस आबादी को हरासा किया जाता है, जिसमें लोगों को हनी ट्रैप या उठा के ले जाते हैं और बच्चों को ज्यादा करके मार के खेतों में फेंक देते हैं, हर एक केस जो अदालतों में जाता है, हर एक फ्रॉड और वो बदमाशी जो कि गरीबों के साथ की जाती है, हम उसमें इंशाअल्लाह तहफ्फुज़ दे रहे हैं और देते रहेंगे। ना हम तनकीद से घबराएंगे, हम उसको एम्ब्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जहां हम गलत होंगे हम मानेंगे, जहां हमारी कोताही होगी हम एक्सेप्ट करेंगे और उसका इजाला करके दिखाएंगे। ये वो पुलिस नहीं जो सर झुका के जिएगी, ये वो पुलिस है जो हिम्मत के साथ बाकी वर्दी वालों के साथ इस मुल्क को महफूज बना के दिखाएगी। ना खौफ था, ना है, ना होगा। दुआ करते रहिए इन बच्चों की जो पीछे रह गए चैलेंज होने की वजह से, उन 2550 बच्चे जिनका डॉक्टर इनाम ख्याल कर रहा है और उसके साथ दीगर एसपी साहबान, वो ट्रांसजेंडर्स और वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिनकी हया की जा रही है तहफ्फुज़ मराकज में, और हर थाने में जो रोजाना हजारों की बुनियाद के ऊपर लोगों को इंसाफ देता है। हमने सोशल मीडिया पर आके जवाब देना है। हम नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं तस्लीम करते इस बात को कि हम जालिम हैं। हाँ, जहां कोताही होगी जवाब देंगे और अकाउंटेबिलिटी करेंगे, लेकिन हम अपने थानों में, अपने खिदमत मराकज में, अपने खिदमत काउंटर्स के, अपने खिदमत और तहफ्फुज़ मराकज में हम
ट्रैफिक के दफातर में, हम लाइसेंसिंग सेंटर्स में, हम गश्ती गाड़ियों में, हम सड़कों पे, गलियों में, रेगिस्तानों में, कच्चे के गलियाओं में हम महफूज बना के दिखाएंगे। और सोशल मीडिया के बदमाश साथियों की गालियों का जवाब जो इन माओ को देते हैं, जो इन बहनों को देते हैं, किसी गाली से नहीं देंगे। अगर किसी के पास 20-25-30 हजार की फोर्स है तो ये 2 लाख की फोर्स है, और इनकी फैमिलियां मिला के 17 लाख की सोशल मीडिया पे फोर्स है। मेरा ऑर्डर है आपको, किसी गाली का जवाब गाली से नहीं देना, गाली का जवाब उस खिदमत से देना है जो आप रोज करते हैं। सोशल मीडिया पॉलिसी चेंज हो चुकी, आप बेहतरीन काम की तशरीह करेंगे, जहां गाली पड़ेगी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को पड़ी हो जिसने पहले 40 सालों में 300 शहादतें और इन 10 सालों में 1800 शहादतें बर्दाश्त की, चाहे वो सिंध पुलिस को पड़े, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे किसी और जगह पे, आपने जाकर जवाब देना है और लोगों को बताना है। हर फंक्शन का, हर शहीद का जिक्र, हर मुकाबले का, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, किसी का तमस्कर नहीं उड़ाना, लेकिन अपने अच्छे काम की तशरीह करके आपने इस ख्वाब को पूरा करना है कि लोग कहें कि पुलिस करप्ट नहीं है, पुलिस अच्छी है, पुलिस मुहाफिज है। और हम पंजाब पुलिस पे लीड लेते हैं और हम ये करके दिखाएंगे। कसम है इन शहीदों की, कसम है इन गालियों की, कसम है इन गालियों की जो हमें पड़ती है, हम इन गालियों का जवाब आपकी खिदमत से करके देंगे। और मैं आपसे आज ये वादा करता हूं कि ये सफर इससे ज्यादा तेजी से करके दिखाएंगे। और आज से जो सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह ताला अगले 30 दिनों में आपके तमाम शोदा जिनके पास घर नहीं था पहले, उनको इंशाल्लाह ताला हम प्लॉट लेके घर बना लेके दूसरे फेज का आगाज करके दिखा देंगे। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल करे, अल्लाह ताला आपके सबर को जो आपने दिखाया कबूल करे, अल्लाह ताला उन गाजियों के खून को जो जमीन पे गिरा कि इस धरती के ऊपर जागते रहने वाले उस जज्बे की कसम कि जो जमीन पे गिरा उनका खून के ये जागते रहने वालों की वजह से अपने घरों में सुकून से सो सकें, इनकी बेटियां स्कूलों को जा सकें, इनको कोई रेप करने वाला ना हो, 4-4 साल के बच्चों को खेतों में जाके फेंकने वाला कोई ना हो, लूटने फ्रॉड करने बदमाशी करने वाला कोई ना हो, तो जारी रहना इस काम को। आप लोगों की हम कसम खाके कहते हैं कि ये 2 लाख की फोर्स इस उस खून को जो यह मट्टी में मिला और इस कौम को जाविदा कर दिया, वो जाया या बेकार नहीं जाएगा। क्या आप ये वादा करते हैं पुलिस वालों कि आप इस खून को जाया नहीं होने देंगे? क्या आप ये वादा करते हैं कि इस खून को जाया नहीं होने देंगे? तो फिर पूरी पंजाब पुलिस तैयार है, आगे बढ़ो और बदमाशी का खात्मा कर दो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच सर।